जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईडी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है पूरी, वहीं सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला आ जाएगा। शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। वहीं ईडी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। वहीं 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला आना है और आपको बताना चाहेंगे कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है शराब घोटाला मामले को लेकर। वहीं 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला आना है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित ले लिया, सुरक्षित रख लिया है। और बताना चाहेंगे कि शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही थी, ऐसे में 26 अप्रैल को अब उनकी जमानत पर फैसला आना है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है, 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला भी आएगा।